जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल टीम इंडिया को अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है और मैच से पहले टीम इंडिया की परेशानियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि ये परेशानियां कुछ ऐसी हैं जो कि कोई भी टीम चाहेगी कि उसके साथ हो, और वो है किसको टीम में लें और किसको बाहर रखें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो टीम रहती हैं जो वर्ल्ड कप के लिए आती हैं उनकी जो प्लेइंग इलेवन रहती है वो पक्की रहती है, लेकिन ये शायद इंडिया के साथ ही हो सकता है कि इंडिया की प्लेइंग इलेवन के बाहर भी ऐसे खिलाड़ी बैठे हैं जिनको कि आप प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहेंगे। इस समय पर अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया की एक दो नहीं बल्कि कई परेशानियां रहने वाली हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह कि टीम इंडिया को ऐसे आने में कई आने वाले 5 दिनों में ही 3 मुकाबले खेलने हैं। रोहित शर्मा हालांकि इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा, हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं और यहां पर तो इस तरीके से ही क्रिकेट खेला जाता है। बट समस्या यह है कि ओपनिंग प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं फायर नहीं कर पा रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी जो इस बार के वर्ल्ड कप में ट्राई की जा रही है वो फिलहाल फीकी ही रही है। पहले 3 मैचेस में विराट कोहली के जो प्रदर्शन है वो बहुत ही ज्यादा फीका सरा है, 1 रन 4 रन और फिर डक। तो ऐसे में जो सवाल है वो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के सामने लगातार खड़े हो रहे हैं। हर कोई यही पूछ रहा है कि यार कैसे चल पाएगा। विराट कोहली को ओपनिंग स्लॉट पसंद नहीं आ रहा है, वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या विराट कोहली नंबर 3 पर आएंगे? अगर विराट कोहली नंबर 3 पर आते हैं तो सिनेरियो थोड़ा सा और उलझ जाता है, क्योंकि उस सिनेरियो में फिर 2 चीजें हो सकती हैं। अभी के एक सिनेरियो में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको टीम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है तो फिर आप ऋषभ पंत को ओपनिंग के लिए भेज दें। ऋषभ पंत अगर ओपनिंग के लिए जाते हैं तो नंबर 3 पर ऑटोमेटिकली विराट कोहली आ जाएंगे और टीम डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरा तरीका है कि आप यशस्वी जायसवाल को अंदर लेकर आए, जो कि खुद एक अच्छे फॉर्म में था IPL में, और वहां से फिर आप टीम को पूरा चेंज करें। बट उस सिनेरियो में ऋषभ पंत को आपको मिडिल ऑर्डर में भेजना पड़ेगा और वहां से फिर आपको शिवम दुबे को बाहर करना पड़ेगा। अब शिवम दुबे के साथ में भी सिनेरियो यह है कि शिवम दुबे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बॉलिंग उनको इतनी ज्यादा मिल नहीं पाई है। तो ऐसे में एक बात तो यह भी उठ रही है कि अगर शिवम दुबे को आप बतौर बॉलर नहीं खिला रहे हो, एक प्योर बैट्समैन के तौर पर खिला रहे हो, तब तो उसकी जगह पर आप संजू सैमसन को भी खिला सकते हो, जो कि एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस देकर आए हैं IPL से। संजू सैमसन के साथ में एक बड़ा फायदा यह भी है कि संजू को अगर आप चाहो तो ओपनिंग भी करा सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहो कि ऋषभ पंत को हमें मिडिल ऑर्डर में ही रखना है, ओपन नहीं कराना, तो फिर आप ये भी कर सकते हो। अगर संजू सैमसन को बोल दो कि भाई तुम ओपनिंग कर लो, संजू उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, ये एक बात है। तो संजू के साथ में हमको हमारी टीम में ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। अब बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो वेस्ट इंडीज की पिचेस के बारे में जो बात निकल कर सामने आई है वो ये है कि वहां के पिचेस बहुत ज्यादा स्लो हैं, एंड स्लो पिचेस के ऊपर पेस बॉलर्स उतने ज्यादा कारगर साबित होते नहीं है। अभी तक अगर हम देखें तो इंडिया 3 अपने प्राइम पेस बॉलर्स को खिला रही थी, बुमराह, अर्शदीप और सिराज को, और साथ में 2 ऑलराउंडर खेल रहे थे पेस बॉलर, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, जिसमें कि हार्दिक पांड्या ही मेन बॉलर निबन कर निकले थे। अब यहां पर कहा जा रहा है कि 4 पेस बॉलर की जगह पे आप 3 ही खिलाओ। अगर ये बात निकल कर आती है तो ऑब्वियसली बात है सिराज या फिर अर्शदीप में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा, और अर्शदीप की जैसी परफॉर्मेंस रही है मुझे लगता नहीं है कि अर्शदीप को बाहर किया जाएगा, सिराज को ही बाहर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में स्पिनर्स के ऊपर भी सवाल है। दरअसल अभी तक स्पिनर्स के तौर पर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को खिलाया जा रहा था, बट क्योंकि पेस बॉलर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे इसलिए इन दोनों की बॉलिंग की ज्यादा कोई जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन अक्षर पटेल की जो बॉलिंग रही थी वो काफी फीकी रही थी, तो ऐसे में चांस स्पिनर्स को दिया जाएगा, ये भी एक बात है। तो अगर हम सिराज को बाहर करते हैं तो उस जगह पर आप कुलदीप को अंदर लाएंगे, ये बात पक्की है। अगर कुलदीप को आप लेकर आते हैं तो फिर आप अक्षर और रविंद्र जडेजा के साथ में कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही ऑलराउंडर हैं और आपको बैटिंग से भी पूरा पूरा सपोर्ट देंगे। एंड एक बात जो यहां पर श्योर और सर्टेन है कि कुलदीप यादव को तो इस बार पक्का मौका मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर ओवर डिफेंसिव होना चाहेंगे थोड़ा सा रोहित शर्मा, तो शायद अक्षर पटेल की जगह पर वो चहल को भी मौका दे दें। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, क्योंकि पहला मैच जो है इंडिया का काफी ज्यादा तेज तर्रार होने वाला है और अफगानिस्तान से मुकाबला भी बहुत तगड़ा होगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।